हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डी जी स्टडी पे। आपका फिफ्थ चैप्टर चला था और इस चैप्टर में हमने रूट्स के बारे में बात किया था। रूट्स क्या होता है, रूट्स के मॉडिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं, आज स्टेम की बात करेंगे। प्लांट का एरियल वाला पार्ट है वो स्टेम कहलाता है। ये प्लूमोस से डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये इसका स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज द स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ द रूट वो स्टेम, तो आप लिखेंगे ये प्लूमोस से डेवलप होता है, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ये रूट से अलग होता है, बाकी चीज़ें रूट जैसी सेम होती है। फंक्शन की बात करें, एक्सपोज द लीफ, कंक्लूजन ऑफ द वाटर एंड कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल, ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड एक्सपोज द फ्लावर एंड फ्रूट। वाटर को कंडक्ट करना, मिनरल को कंडक्ट करना, फूड का ट्रांसफर करना और फ्लावर और फ्रूट को एक्सपोज करना इसका फंक्शन है। मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशंस में सम पार्ट ऑफ द सम मॉडिफाइड इनटू द फंक्शन स्टोरेज, कुछ स्टोरेज के लिए मॉडिफाई करते हैं, कुछ फूड के लिए, कुछ सॉर्स सपोर्ट के लिए, कुछ प्रोडक्शन के लिए, कुछ वेजिटेबल पर्पस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड स्टोरेज की। जैसे राइजो में जिंजर होता है, टर्मरिक होता है, ट्यूबर, पोटैटो, बल्ब, ऑनियन, कॉर्म, कोलोकेसिया, ये कुछ हैं पार्ट्स जो फूड को स्टोर करके रखते हैं और ये स्टेम होते हैं। राइजोम स्टोम है, ट्यूबर स्टोम है, बल्ब स्टोम है, कॉर्म स्टोम है। सपोर्ट के लिए टेंडल और वाटरमेलन में, जैसे ग्रेप्स वाइन में, कोकुम्बर में, पम्पकिन में छोटे छोटे टेंडल्स पाए जाते हैं, इट इज़ ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। प्रोटेक्शन, एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम लाइक सिट्रस, बोगनविलिया गेट मॉडिफाइड टू द पॉइंटेड थॉर्न। इसमें जो स्टेम की एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं इसके प्रोटेक्शन के लिए, जो कुछ प्लांट और एनिमल से प्रोटेक्ट करता है इसको। वेजिटेशन में अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जैसे रनर, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, स्टोलेन, लेटल ब्रांचेज ऑफ द मिंट एंड जैस्मिन, इकोर्निया, ऑफसेट, ये कुछ हमारे वेजिटेबल पर्पज से यूज किए जाते हैं। एसिमिलेशन ऑफ द फूड, फूड को एसिमिलेट करने के, जैसे ओपनसिया, इट इज सिलेंड्रिकल स्टेम, यूफोरबिया, कंटेन द क्लोरोफिल, परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे भी स्टेम होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे हमारा यूफोरबिया है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ओपनसिया में फ्लैटेंड स्टेम होता है, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, जहाँ फूड को स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं लीव्स की। डेवलपमेंट फ्रॉम द सूट, एरियल मेरिस्टम फ्लैटेंस ग्रीन स्ट्रक्चर, एक्रोपीटली अरेंज मैन्युफैक्चर्स द फूड द फोटोसिंथेसिस। एक्रोपीटली अरेंज मतलब कि पहले पुरानी होती है लीफ, ऊपर की तरफ न्यू लीफ का फॉर्मेशन होता है, इसको एक्रोपीटल मैनर होता है। इट हैज द बर्ड इन द एक्सेल, इसकी एक्सेल में बर्ड पाई जाती है। इट्स टिपिकली लीफ हैव लीफ बेस, पीटियोस और लेमिना। लेमिना ब्लेड को बोलते हैं, पूरे लीफ को, लीफ बेस होता है, उससे फिर पीटोल निकलता है, पीटोल के बाद जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है, जैसे भी मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, जैसे ये लीफ है हमारा, तो यहाँ से निकल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, लीफ बेस हो गया यहाँ पे, ये, और ये हमारा पीटोल हो गया, और ये हो गया लेमिना, हो गया लेमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं इसे। सम लेग्यूम प्लांट लीफ में भी ऑल्सो सॉयलिन विद कॉल द, अब कुछ हम लेग्यूम प्लांट होते हैं लीफ सॉयलिंग कर जाती है, जैसे इस टाइप से लीफ सी पाई जाती है, सॉयलिंग पार्ट होता है इसको, प्लम्बर पल्विनस बोलते हैं। लीफ बेस बियर द टू लेटल्स आउट ग्रोथ तो कॉल द स्टिपल्स, लीफ के बेस में दो स्टिपल्स पाए जाते हैं, जैसे ये लीफ है आपका, तो यहाँ पे जो निकले होते हैं स्टिपल्स टाइप के निकले होते हैं लीफ बेस में। एक्सपेंड टू द एक्सक्लूड द स्टेम, स्वेलिंग प्लूमोस, प्लूमोस भी होता है किसी किसी में लीफ में। अगर इसकी हम बात करें, लीफ बेस की बात करें, तो आउटग्रोथ के बेसिस पर लीफ को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, पहला एक्सपेंडेड टू द इनक्लोज द स्टेम और दूसरा स्वेलन होता है, इसे प्लूमबिन बोलते हैं। सीथिंग ऑफ द लीफ बेस, कवर्ड बाई द टोटली स्टेम, कवर्ड स्टेम टोटली या पार्सली, बटर कैप्स बोलते हैं। मीमोसा और लेग्यूम प्लांट्स में यह पाया जाता है, कौन सा, प्लूमोज वाला। टाइप ऑफ लीफ्स की बात करें तो लीफ देखो दो टाइप की होती है, एक हमारी सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। सिंपल ब्लेड्स होता है इसमें, कंपाउंड लीफ में लीफ लेट्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप का लीफ ब्लेड डिवाइड हो जाता है इस टाइप से लीफ बन जाती है अलग अलग, उसे कंपाउंड लीफ बोला जाता है। कंपाउंड भी दो टाइप की होती है हमारी, एक पिनेटली होती है, एक पालमेरेटली होती है। पिनेटली कंपाउंड लीफ द प्रेजेंट द कॉमन एक्सिस रेसिस, इसमें एक्सिस कैसे होती है, कॉमन होती है इस टाइप से, ये लीफ के छोटे छोटे लीफ बन जाती हैं, ये कॉमन होती है एक्सेस। पालमेटरी की अगर हम बात करें, लीफलेट अटैच टू द कॉमन पॉइंट ऑफ द पीटोल स्टेम, सिल्क और कॉटन में पाई जाती है। वेनेशंस, लीफ में दो टाइप का वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ये एग्जांपल दे रखा है, ये हमारा क्या है, ये रेटिकुलेट सॉरी ये पैरेलल वेनेशन है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन नेटवर्क द लीफ द डाइकॉटन प्लांट्स में पाया जाता है,
रेटिकुलर वेनेशन जैसे चाइना रोज और पीपल्स, और पैरेलल वेनेशन की बात करें दे आर द मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है जैसे ग्रास, मेज, सुगरकेन, ये सब में पाया जाता है। और हम अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑफ द स्टेम, दो टाइप तीन टाइप के पैटर्न्स होते हैं। अल्टरनेट पैटर्न्स, अल्टरनेट में पाए जाते हैं अपोजिट पैटर्न और वर्ल्ड पैटर्न। अल्टरनेट में क्या होता है, दे इट इज अल्टरनेट मैनर, जैसे ये है नीचे दिखा रखा है, सॉरी एक इधर दिख रहा है आपको, ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। दूसरा होता है अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये अपोजिट पाई जाती है, कॉलोटे गुआवा में पाई जाती है, चाइना रोज में पाई जाती है। एक होता है वर्ल्ड, एक ही बेस से कई सारी लीफ निकली होती हैं ऐसे, सो वर्ल्ड लीफ बोलते हैं वर्ल्ड। फंक्शन की बात करें, फोटोसिंथेसिस करता है, गैसेज एक्सचेंज करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्रोडक्शन ऑफ द बर्ड एंड कंडक्शन, ये सारी चीज़ें फंक्शन करता है। तो ये था आज का टॉपिक आपका लीफ वाला। उसके बाद ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं और कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं, ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक आप इतना रिवाइज करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।